नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी सेकंड ईयर की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। और यूनिट फर्स्ट के अंदर अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था आवर्धन और पार्श्व आवर्धन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपने अक्षीय आवर्धन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी जो आपके पास में अनुदैर्ध्य आवर्धन होता है उस अनुदैर्ध्य आवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक है अक्षीय या अनुदैर्ध्य आवर्धन। डायग्राम इसका हमने कल बना चुके थे, अब सिर्फ अपने आवर्धन की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके पास में एक डी यू लंबाई का बिंब है, ठीक है। यानी आपके पास में क्या है, एक बिंब है जिसकी लंबाई कितनी है, डी यू है। आप लोग मान करके चलोगे कि आपके पास में कितनी लंबाई का बिंब है, तो आपके पास में एक डी यू लंबाई का बिंब है। जो आपके पास में प्रकाशीय अक्ष है उस पर वो क्या कर रहा है, प्रतिबिंब बना रहा है, इमेज बना रहा है। और वो जो इमेज बना रहा है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई आपके पास में डी वी है। तो आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है, बिंब जो आपके पास में है, उसकी लंबाई तो है डी यू, और जो आपके पास में प्रतिबिंब बन रहा है उसकी लंबाई कितनी है, डी वी है। तो आपके पास में जो अक्षीय या अनुदैर्ध्य आवर्धन होगा उसका सूत्र देखिए क्या होगा। अक्षीय या यहीं पर लिख देते हैं, अक्षीय या अनुदैर्ध्य आवर्धन, इसका फॉर्मूला आपके पास में बनने वाला है प्रतिबिंब की लंबाई बटा प्रतिबिंब की लंबाई बटा बिंब की लंबाई, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई बटा बिंब की लंबाई, यानी आपके पास में एम ए से इसे लिखा जाता है, परिमाण के रूप में यह फॉर्मूले लिखे जाते हैं सारे। तो प्रतिबिंब की लंबाई आपके पास में कितनी है, प्रतिबिंब की लंबाई आपके पास में डी वी है, और इसकी लंबाई कितनी है, डी यू है, ठीक है। यू लिखा है मैंने, भी है यू है। तो आपके पास में फॉर्मूला क्या है एम का, एम का फॉर्मूला है डी वी अपॉन डी यू। हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी उत्पन्न किया था, बिंब की स्थिति तथा गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से बने प्रतिबिंब की स्थिति के मध्य। वो फॉर्मूला आपके पास में क्या प्राप्त हुआ था, वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने लिखा था, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू, ठीक है। और किसके बराबर, म्यू टू माइनस का म्यू वन अपॉन आर। ये किससे फॉर्मूला प्राप्त हुआ था, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये फॉर्मूला हम लोगों को प्राप्त हुआ था। तो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने, ये फॉर्मूला लिखा था म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू, और इक्वल था म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर के। अब देखिए आगे, अपने ये जो समीकरण प्राप्त हुई है, इस समीकरण का अपने क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। ये जो समीकरण है इसका क्या करते हैं, अपने अवकलन करते हैं। तो इसमें लिखते हैं अवकलन करने पर देखिए क्या प्राप्त होगा आपको। यहाँ से जब इसका अवकलन किया जाएगा तो आपके पास में एक बटा वी है, एक बटा वी का जो आप लोग अवकलन करोगे तो आपके पास में माइनस का एक बटा वी स्क्वेयर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, माइनस का एक बटा वी स्क्वेयर, और साथ में कितना, डी वी। और यहाँ कितना आएगा, माइनस का म्यू वन, और यू का किया जाएगा तो फिर से कितना आएगा, माइनस का एक बटा यू स्क्वेयर। तो माइनस और माइनस प्लस, और ये कितना, डी यू। अब देखिए इस साइड तो कोई है ही नहीं जिसका अवकलन कर सके, सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि आर आर त्रिज्या है, त्रिज्या कभी बदलेगी नहीं इसकी। और म्यू वन क्या है आपके पास में, प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक है, ये भी नहीं बदलेगा। और म्यू टू आपके पास में क्या है, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक है, ये दोनों भी यहाँ पर नहीं बदलने वाले। तो दूसरी तरफ आपके पास में जो टर्म है उसका टोटल मान कितना प्राप्त होगा आपको, जीरो प्राप्त होगा। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, देखिए यहाँ से आप लोग लिख सकते हो म्यू वन बटा यू स्क्वेयर, और डी यू किसके बराबर है, अभी ये बराबर है माइनस के म्यू टू अपॉन वी स्क्वेयर के, वी है ये वी, वी स्क्वेयर और डी वी के, ठीक है। यहाँ से आप लोग किसका मान ज्ञात कर सकते हो, तो ये प्लस बन जाएगा दूसरी साइड जाएगा, तो ये दूसरी साइड जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। और आप लोग यहाँ से किसका मान ज्ञात कर सकते हो, डी वी अपॉन डी यू का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हो। तो डी वी अपॉन डी
यू का अगर आप लोग मान ज्ञात करो तब देखिए आपके पास में क्या टर्म यहाँ पर बनने वाली है। अगर किसका मान ज्ञात किया जाए, यहाँ से मान ज्ञात किया जाए डी वी अपॉन डी यू का। किसका मान ज्ञात करें, डी वी अपॉन डी यू का मान ज्ञात करें, तब देखिए आपके पास में क्या बनेगा यहाँ से। तो डी वी अपॉन डी यू, ये डी यू कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा। और ये जो म्यू वन है इसके भाग में कौन आ जाएगा, म्यू वन के भाग में आ जाएगा म्यू टू, वी स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा और अपॉन भी क्या आ जाएगा, यू स्क्वेयर आ जाएगी। ये किसका मान है आपके पास में, ये आपके पास में मान है डी वी अपॉन डी यू का। कितना मान है, म्यू वन अपॉन म्यू टू और वी स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप लोग फॉर्मूले की बात करो तो इसका फॉर्मूला क्या प्राप्त हुआ था, अक्षीय आवर्धन का। तो अक्षीय आवर्धन का जो फॉर्मूला आपको प्राप्त हुआ था वो यही तो फॉर्मूला था एम ए। तो एम ए किसके बराबर, एम ए बराबर म्यू वन अपॉन म्यू टू वी स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर। ठीक है, स्क्वेयर है ये। तो ये फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ये किसका है, ये आपके पास में अक्षीय आवर्धन का सूत्र है। ये आपके पास में क्या है, अक्षीय आवर्धन जो आपके पास में होता है उस अक्षीय आवर्धन का सूत्र होता है। अगर बात की जाए जो आपके पास में कल हम लोगों ने ज्ञात किया था पार्श्व आवर्धन, उस पार्श्व आवर्धन का सूत्र आपको क्या प्राप्त हुआ था, पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन। पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन की जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसे लिखा किससे था, उसे लिखा गया था एम टी से। किससे लिखा था हम लोगों ने, एम टी से लिखा था। और किसके बराबर आया था, वो आया था म्यू वन अपॉन म्यू टू और वी अपॉन यू के बराबर आया था। समीकरण नंबर लगानी पड़ेगी, इसे मैं लगा देता हूँ एक और इसे लगा देता हूँ मैं समीकरण दो। तो दो फॉर्मूले आपको यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। एक तो कल प्राप्त कर लिया था हम लोगों ने एम टी का, क्या आया था म्यू वन अपॉन म्यू टू और वी अपॉन यू, ये फॉर्मूला हम लोगों को कल प्राप्त हुआ था। एक फॉर्मूला आज हमें प्राप्त हो गया है एम ए का, म्यू वन अपॉन म्यू टू और वी स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर। अगर आपसे पूछा जाए कि रिलेशन लिखिए किनके मध्य, एम ए और एम टी के मध्य अगर रिलेशन लिखा जाए तो रिलेशन आप लोग किस प्रकार से लिख सकते हो। तो रिलेशन आप लोग इसके मध्य कैसे लिख सकते हो, भाई आपकी मर्जी है, कैसे भी लिखना चाहो आप लोग इसे सॉल्व कर लेना और एम ए और एम टी में आप लोग रिलेशन लिख दो। एक तो आपके पास में ये तरीका है कि आप लोग यहाँ से क्या करो, मान ज्ञात कर लो किसका, वी अपॉन यू का। इस वी अपॉन यू का मान ज्ञात कर लो और इसे इसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, तो आपके पास में देखिए अगर आप लोग ऐसे इसे सॉल्व करते हो तो क्या बनता है, ये बनता है v अपॉन u किसके बराबर, एम टी म्यू टी अपॉन म्यू वन के बराबर। ये म्यू टू अपॉन में क्या है, म्यू वन है। इसे अपने उठाते हैं, कहाँ रखते हैं, समीकरण एक में रख देते हैं। अगर ऐसा आप लोग करते हो तब आपके पास में क्या बनेगा, एम ए और क्या है आपके पास में, म्यू वन है और म्यू टू है। और स्क्वेयर करनी है v अपॉन u की, v अपॉन u का मान आपके पास में ये है कितना, एम टी म्यू टू अपॉन म्यू वन, और इसकी आपके पास में क्या है, स्क्वेयर है। ठीक है, इसे अगर आप लोग सोल्व करते हो तो देखिए मान क्या बचेगा आपके पास में, एम ए म्यू वन बटा म्यू टू और एम टी की स्क्वेयर म्यू टू की स्क्वेयर म्यू वन की स्क्वेयर म्यू टू म्यू वन कैंसिल और एम ए कितना आ जाता है, एम टी स्क्वेयर म्यू टू अपॉन म्यू वन आ जाता है। ये फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, एम ए इक्वल एम टी की स्क्वेयर और म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो ये संबंध, ये समीकरण जो है ये क्या करती है, संबंध व्यक्त करती है। समीकरण नंबर तीन अगर आपने इसे लगाया, तीन इसे लगा देना, और ये समीकरण नंबर चार जो है ये संबंध व्यक्त करती है किसमें, जो आपके पास में अक्षीय आवर्धन है और जो आपके पास में पार्श्व आवर्धन है इसमें। तो अक्षीय आवर्धन और पार्श्व आवर्धन में क्या संबंध होता है, ये संबंध होता है एम ए इक्वल एम टी की स्क्वेयर और म्यू टू अपॉन म्यू वन। यहाँ से दो बातें आप लोग याद रखोगे, पहली बात तो ये है कि जो आपकी बुक ऑप्टिक्स है यानी प्रकाश की जो आप लोग पढ़ रहे हो, यहाँ से इस बुक से पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल। ठीक है, इस चैप्टर, ये जो बुक है इसके अंदर से
सिर्फ थ्योरेटिकल पर्सन ही नहीं है, न्यूमेरिकल भी काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर आते हैं। तो न्यूमेरिकल ऐसे भी नहीं है कि उनमें बहुत सारा कोई लंबा थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह साथ में दे, ऐसे भी नहीं आएंगे, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। पर न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आपके पास में होने चाहिए फॉर्मूले, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूले ये रिलेशन वगैरह याद नहीं है तो वो न्यूमेरिकल आपके सोल्व नहीं होंगे। तो एक तो चिन्ह परिपाठी आप लोग रट करके काम नहीं चला सकते, दूसरा फॉर्मूले जो है ये भी आप लोगों को इसमें याद रखने पड़ेंगे, तभी आपके वो न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व होंगे। आई बात सुन में, तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आप जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं, जितने भी रिलेशन आ रहे हैं, उन सभी रिलेशनों को, चिन्ह परिपाठी को और कुछ एक मैथमेटिकल डेरिवेशन जो है वो आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अपने कोणीय आवर्धन पढ़ते हैं इसके अंदर कि कोणीय आवर्धन जो है वो क्या होता है। तो इसमें लास्ट टॉपिक अपना, इस टॉपिक जो अपना आवर्धन चल रहा है उसका, वो है कोणीय आवर्धन। बोर्ड शायद थोड़ा डार्क हो गया है। देखिए कोणीय आवर्धन क्या होता है, ठीक है। देखिए कोणीय आवर्धन अपना तीसरा टॉपिक इसमें आता है, कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन, तो कोणीय आवर्धन का मतलब है कि अपने अपवर्तित किरण जो है वो क्या करती है, मुख्य एक्स के साथ में कोई कोण बना रही है, उस कोण की आप लोग क्या करो, स्पर्श ज्या ज्ञात करो। और जो आपके पास में आपतित किरण है वो भी क्या करती है, मुख्य अक्ष से कोण बनाती है और उसकी भी आप लोग क्या करो, स्पर्श ज्या जो है उसे ज्ञात करो और दोनों का आप लोग क्या लो, अनुपात लो। वो अनुपात जो आता है वो क्या कहलाता है, कोणीय आवर्धन कहलाता है, ठीक है। देखिए फिर से आपको बताता हूँ मैंने क्या बताया आपको, जैसे एक रफली डायग्राम बनाता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने बना रखा था, यहाँ बिंब रखा था इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने वहाँ डायग्राम बनाया था। प्लस माइनस अपने आवर्धन पढ़ रहे हैं तो जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया था, इसका डायग्राम बनाया था। इस डायग्राम के अंदर अपने क्या पढ़ रहे हैं, अपने पढ़ रहे हैं कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास में ये तो कौन सी किरण है, ये आपके पास में आपतित किरण है, इस लेंस के लिए या इस दर्पण के लिए ये कौन सी किरण है, लेंस ही होगा दर्पण तो होगा तो ये किरण आगे जाएगी नहीं, तो ये अपवर्तक पर्श जो आपके पास में है इस पर्श से आकर के क्या होगा, यहाँ पर प्रकाश टकराएगा। अगर ये प्रकाश टकरा रहा है तो ये कौन सी किरण है आपके पास में जो इस अपवर्तक पृष्ठ पर टकरा रही है, ये अपवर्तक पृष्ठ है, लेंस भी नहीं है, लेंस होता तो इसके लिए तो आप लोग नियम पढ़ चुके हो, उन नियमों को काम में लेते हैं, तो अपवर्तक पृष्ठ है। तो यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश की किरण आ रही है आपतित किरण और दूसरी तरफ जा रही है कौन सी किरण, अपवर्तित किरण। तो जो अपवर्तित किरण है वो क्या कर रही है, मुख्य अक्ष के साथ में कोई कोण बना रही है। जो आपके पास में अपवर्तित किरण है ये क्या कर रही है, मुख्य अक्ष के साथ में कोई कोण बना रही है। ये जो कोण आपके पास में थीटा टू है, इस कोण की आपको लेनी है स्पर्श ज्या। क्या लेनी है आपको इस कोण की, स्पर्श ज्या, टेंजेंट अपने जिसे कहते हैं, स्पर्श ज्या आपको इसकी लेनी है। आपने इस कोण की क्या ली, स्पर्श ज्या ली। इसी तरीके से जो आपके पास में आपतित किरण है ये भी क्या करती है, ये भी अक्ष के साथ में कोई कोण बनाती है, कितना बनाती है, थीटा वन बनाती है। इसके भी आप लोग क्या लेते हो, स्पर्श ज्या लेते हो, कितनी आएगी, ये आएगी टेन थीटा वन, ये भी क्या है, स्पर्श ज्या है हमने दोनों के लिए। इनका जो अनुपात आता है वो क्या कहलाता है, कोणीय आवर्धन कहलाता है। इनके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, इसके अनुपात को हम लोग कहते हैं कोणीय आवर्धन। और किससे लिखा जाता है इसे, इसे लिखा जाता है एम थीटा से, कोणीय आवर्धन एम थीटा से हम लोग इसे लिखते हैं। और किसके बराबर आएगा ये, परिमाण के रूप में लिखा जाएगा आवर्धन, टेन
थीटा टू बटे टेन थीटा वन, ठीक है, टेन थीटा टू अपॉन टेन थीटा वन, ये किसका सूत्र है, कोणीय आवर्धन का सूत्र है। अब देखिए अगर आपके पास में अलप कोण हो, कोण क्या हो आपके पास में, अलप हो, तो अलप कोण की स्थिति के अंदर यानी जब आपका थीटा वन और थीटा टू क्या हो, अलप हो, बिल्कुल अलप हो, उस कंडीशन के अंदर आपका जो टेन थीटा टू है वो लगभग किसके बराबर होगा, साइन थीटा टू के, और जो आपके पास में टेन थीटा वन है वो लगभग किसके बराबर होगा, साइन थीटा वन के बराबर होगा। तो उस कंडीशन में इसी फॉर्मूले को आप लोग क्या लिख दोगे, आप लोग लिख दोगे एम थीटा किसके बराबर, साइन थीटा टू बटे साइन थीटा वन के। अगर थोड़ा बहुत फर्क आता है तो वो भी नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि अपने ये अनुपात के अंदर राशियां है। तो अब आवर्धन का फॉर्मूला आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एम थीटा इक्वल टेन थीटा टू बटे टेन थीटा वन, कोणीय आवर्धन का सूत्र। और दूसरा सूत्र क्या मिलता है आपको, एम थीटा इक्वल साइन थीटा टू बटे साइन थीटा वन, ये सभी आपके पास में क्या है, आवर्धन के सूत्र है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, हमने सबसे पहले पार्श्व आवर्धन ज्ञात किया या जिसे हम लोगों ने बोला था अनुप्रस्थ आवर्धन, फिर हम लोगों ने क्या किया अक्षीय या जो आपके पास में अनुदैर्ध्य आवर्धन होता है उसका मान ज्ञात किया, और तीसरा आवर्धन हम लोगों ने ज्ञात किया है कोणीय आवर्धन। तीनों आवर्धन के फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू होता है, उस टॉपिक का नाम है आबे का ज्या प्रतिबंध। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है ये आबे का ज्या प्रतिबंध। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आबे का ज्या प्रतिबंध। हमारा नया टॉपिक है आबे का ज्या प्रतिबंध। ज्या प्रतिबंध, अबे नाम का वैज्ञानिक था, इसने अबे ने जो प्रतिबंध बताया था उस प्रतिबंध की अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने इसके लिए इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो एल एम एन अपवर्तक पृष्ठ है उसको लेकर के, और एच वन ऊंचाई का जैसे अपने पीछे डायग्राम बनाया था उसी प्रकार से यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो L, M और N ये हमारे पास में क्या है, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, और ये इस पृष्ठ की क्या है, मुख्य अक्ष है, ये इस पृष्ठ की क्या है, मुख्य अक्ष है, इस पृष्ठ की मुख्य अक्ष है। इसके एक तरफ म्यू वन अपवर्तनांक का माध्यम है और दूसरी तरफ इसके म्यू टू अपवर्तनांक का माध्यम है। यहाँ हम लोगों ने एक बिम रख रखा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, h1 है। तो h1 ऊंचाई का हम लोगों ने क्या कर दिया, एक बिम रख दिया है जिसका नाम a और b लिख देते हैं, a और b, a और b, ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी लेंस को पार, इस दर्पण को ही पार कर रही है, तो ये अपवर्तक पृष्ठ को, ये अपवर्तक पृष्ठ है, इससे जाकर के ये टकराती है, टकराने के बाद में ये फिर से यहाँ पहुँचती है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट मान लेते हैं कौन सा है, पॉइंट डी है, और यहाँ से जो प्रकाश की किरण जाएगी वो सीधी निकल जाएगी, ये सी पॉइंट होगा, ये कैपिटल एम पॉइंट है इस गोलीय अपवर्तक पृष्ठ का ध्रुव, ये अपवर्तक पृष्ठ है, यहाँ लिख देता हूँ गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है, ताकि बार बार लेंस वगैरह अगर बोल जाऊँ तो आपको याद रहे कि ये लेंस नहीं है, अपवर्तक पृष्ठ है।
एक तरफ अपवर्तनांक म्यू वन है और दूसरी तरफ अपवर्तनांक म्यू टू है, और ये क्या है इसका ध्रुव है, और सी जो है ये इसका वक्रता केंद्र है, और यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है हमें इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है जो कितना है एच टू है, ठीक है, और इसका नाम लिख देता हूँ पी क्यू, पी क्यू, पी और क्यू, ये एच किसका आएगा माइनस का आएगा, तो अपने आवर्धन वगैरह तो पढ़ नहीं रहे, तो अब आपको प्लस माइनस साथ के साथ लिखने पड़ेंगे कि कौन प्लस का है और कौन माइनस का है, तो ये माइनस का एच टू है और ये प्लस का एच वन है, ये दूरी कितनी है ये वाली दूरी जो है ये माइनस का यू है, कितना है माइनस का यू, और ये जो दूरी है ये कितनी है कैपिटल आर है, और यहाँ से ये जो दूरी है ये कितनी है ये अपने पास में प्लस का वी है, और जो सी पॉइंट है यहाँ से अपने क्या करेंगे सी पॉइंट जो है यहाँ से अपने एक अभिलंब खींचेंगे जो सीधा जाकर के मिलेगा किसके साथ में पॉइंट डी के साथ में, तो पॉइंट डी के साथ में अपने क्या करते हैं इसे मिलाते हैं, यहाँ से मैंने क्या कर दिया एक अभिलंब खींच दिया है, ठीक है, ये एक अभिलंब है जो सीधा यहां से निकल रहा है, इस अभिलंब के साथ में यहां जो कोण बनेगा वो आई वन होगा और आई होगा सिर्फ आई, और ये जो कोण होगा कितना होगा आर होगा, ये प्लस का थीटा वन है और ये माइनस का थीटा टू है, एक प्लस का थीटा वन कोण है और एक माइनस का थीटा टू कोण है, ठीक है, तो इससे अपना डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले अपने इसके अंदर वही सारी बातें लेकर के चलते हैं जो पीछे अपने एक बार टॉपिक सोल्व किया था उसमें काम में लेती कि जो ए बी सी और पी क्यू सी आपके पास में है, जो आपके पास में पी क्यू सी और ए बी सी, ये ए बी सी और ये पी क्यू सी जो है ए बी सी, ए बी सी, और जो आपके पास में त्रिभुज है पी क्यू सी, ये दोनों त्रिभुज जो है वो क्या है एक दूसरे के समरूप है, अगर ये समरूप है तो पी क्यू बटा क्या आएगा पी क्यू बटा आपके पास में आएगा ए बी, क्या आएगा पी क्यू बटा आपके पास में आने वाला है ए बी, ठीक है, और ये किसके बराबर आएगा ये आएगा पी सी बटा ए सी के बराबर, पी सी बटा ए सी के बराबर, और ये जो मान आपके पास में आएगा ये बराबर आएगा एम पी माइनस एम सी, एम पी माइनस एम सी, और एक आएगा एम ए प्लस एम सी, एम ए प्लस एम सी, ठीक है, तो इस तरीके से ये मान जो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। तो ये टॉपिक तो हमने पहले पढ़ चुके हैं, इससे जो आपके पास में मान आने वाला है उस मान को भी हम लोग पहले देख चुके हैं, वी माइनस आर बटे यू माइनस आर, इसके आसपास कोई मान आपको प्राप्त हो रहा था एच टू अपॉन एच वन का, तो वही मान फिर से प्राप्त होना है। एक बार बता देता हूँ आपको मैं, अगर सिर्फ इसी को पढ़ते रहे तो ये टॉपिक फिर से आपका रहेगा बीच में, तो ए बी सी और पी क्यू सी जो है वो क्या है समरूप है, तो पी क्यू और ए बी का अनुपात, पी क्यू ये देखिए इस पी क्यू का और इस ए बी का जो अनुपात आएगा वो किसके बराबर आएगा वो पी सी और ए सी के बराबर आएगा, ये पी सी है और ये आपके पास भी ए सी है, इन दोनों का अनुपात इनके अनुपात के क्या आएगा बराबर आएगा। पी सी की अगर बात की जाए पी सी की तो वो किसके बराबर है, ये जो टोटल एम पी दूरी है इसमें से अगर आप एम सी जो दूरी है इसे घटा दो, यानी एम पी में से एम सी को अगर आप लोग माइनस कर दो तो आपको ये दूरी मिलती है, और जो आपके पास में ए सी दूरी है ए से लेकर के सी तक की दूरी है ये ए एम और एम सी जो दूरी आपके पास में एम ए और एम सी जो दूरी आपके पास में इन दोनों के जोड़ के बराबर है। चिन्ह परिपाटी को काम में लेते हुए जब इसे सोल्व किया जाता है तो पी क्यू जो है चिन्ह परिपाटी के अंदर आप लोग देख सकते हो माइनस का है एच टू अपॉन एच वन है, और एम पी और एम सी की अगर बात की जाए एम पी और एम सी की तो ये मान आपके पास में आता है वी माइनस का आर, कितना आता है वी माइनस का आर। एम ए की बात करें ये आपके पास में कितना है माइनस का यू है, एम सी अगर आप लोग देखो तो एम सी ये आपके पास में प्लस का आर है, ठीक है, ये मान जो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो एच टू अपॉन एच वन बराबर वी माइनस आर बटा यू माइनस आर, क्या लिख सकते हो यू माइनस आर लिख सकते हो, ऐसा एक बार पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेना और इस माइनस को काट देना, क्या बनेगा वी माइनस आर बटा यू माइनस आर, ठीक है, ये समीकरण आपके पास में प्राप्त हो जाती है किसके लिए एच टू अपॉन एच वन के लिए समीकरण बनती है वी माइनस आर बटे यू माइनस आर।
अब अपने ए डी सी जो आपके पास में त्रिभुज बन रहा है, उस ए डी सी में अपने क्या कर देते हैं, उस ए और डी सी जो है, ये ए, ये डी और ये सी, इस ए डी सी त्रिभुज के अंदर अपने क्या कर देते हैं, ये जो त्रिभुज है इसमें अपने साइन नियम जो है, उस साइन नियम को काम में लेते हैं। अगर इसमें साइन नियम लगाया जाए किसमें, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में अगर आप लोग क्या करते हो, साइन नियम को काम में लेते हो, तब यहाँ से आपके पास में दो मान आएंगे। एक तो आएगा साइन डी ए सी, साइन डी ए सी, कितना, साइन डी ए सी बटा डी सी, और किसके बराबर आ रहा है ये मान बराबर आ रहा है साइन ए डी सी बटा साइन ए सी के, साइन ए डी सी बटा ए सी के। ऐसा क्यों है, तो देखिए साइन डी ए सी आपके पास में जो है, ये आपके पास में है साइन डी ए, डी ए सी, डी ए सी ये आपके पास में है, और इसके सामने का जो आपके पास में भुजा है वो कौन सी है, डी सी, तो इस कोण के सामने की भुजा आप ये लोगे, और साइन ए डी सी जो आपके पास में ए डी सी, और इस कोण के सामने की जो भुजा है वो कौन सी है, ए सी है, ठीक है, दोनों मान इसमें हम लोगों ने रख दिए। तो अब अगर ये कोण रखे जाए, कौन से, साइन डी ए सी को रखा जाए, तो साइन डी ए सी कितना है, साइन थीटा वन है, कितना है, साइन थीटा वन है, और बात की जाए डी सी की, तो डी सी का मान तो आपको सीधा दिख रहा है, कितना है, कैपिटल आर के बराबर है, डी सी का मान किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है, ये जो डी सी है क्यों बराबर है, अभी त्रिज्या इसकी, तो ये सारे मान आर के बराबर आने वाले हैं, तो ये भी आर, ये भी कितना आर, तो कितना आएगा, साइन थीटा वन अपॉन आर आएगा, जो साइन ए डी सी आपके पास में ये कितना आएगा, तो साइन ए डी सी जो है वो आएगा साइन 180 माइनस आई वन के बराबर, साइन 180 माइनस आई वन के बराबर, और ए सी जो आपके पास में है वो ये वाला मान है साइन ए सी, ठीक है, साइन ए सी सीधा अगर देखें तो माइनस यू प्लस आर के ये बराबर है, सीधा लिख देता हूँ इसका मान, माइनस यू प्लस आर के ये मान क्या है आपका बराबर है, माइनस यू प्लस आर इस मान को हम लोगों ने बराबर रख दिया है। आगे देखें तो ये देखिए क्या बनता है, इसे देखें साइन 180 माइनस आई वन, साइन 180 माइनस आई वन, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो सीधा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ से साइन थीटा वन कितना आएगा, यहाँ से साइन थीटा वन बटे आर आएगा, साइन थीटा वन बटे आर किसके बराबर, तो ये आने वाला है साइन आई वन बटे माइनस को बाहर रखा मैंने, यू माइनस आर के बराबर, और समीकरण नंबर दो जो है हमें यहाँ से प्राप्त हो जाती है, माइनस ताकि इसके जैसा ये मान जो है वो बन जाए, इसलिए माइनस जो है इसे मैंने बाहर रख दिया, तो साइन आई वन अपॉन माइनस यू माइनस आर के ये बराबर है। अगर इसके बारे में आप लोग सोच रहे हो कि 180 माइनस आई वन कहाँ से आए, तो इस लाइन को आप लोग देख सकते हो, ये सीधी लाइन 180 डिग्री का एंगल बना रही है, और इस कोण की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये कोण जो है आपका किसके बराबर आने वाला है, 180 माइनस इस कोण के बराबर आने वाला है, ये सीधी रेखा है 180 डिग्री का कोण ये बनाती है, इसमें से मैंने आई घटा दिया, तो कितना बनाइए आई वन, या आई जो भी आप लोग ले रहे हो, आई वन लिख दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है, ताकि मान जो इसको कुछ इस तरीके से लिखा गया, इसे आई वन लिख रखा है आपकी बुक के अंदर, और इसे लिख रखा है आई टू, ठीक है, आप लोग आई और आर के साथ में भी इसे सॉल्व कर सकते हो, पर बचा हुआ टॉपिक शायद अपने नेक्स्ट वीडियो में करें, इसलिए मैं इसको आई वन के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसे मैंने आई वन लिख दिया, और इसे क्या लिख दिया, आई टू लिख दिया, फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ मैं आई वन लिख रहा हूँ और यहाँ आई टू लिख रहा हूँ आई की जगह, और इसे लिख दिया मैंने आर की जगह, ठीक है, जब अपने नेक्स्ट क्लास में इसे शुरू करें आगे, तब सेम डेरिवेशन अपना हो जाए, इसलिए मैंने इसे सेम बना दिया है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके पास में त्रिभुज बनने वाला है, कौन सा, पी डी सी, पी डी सी, पी डी सी देखिए कहाँ है आपके पास में, ये पी डी सी है, ये पी डी सी है। इस त्रिभुज के अंदर भी अगर आप लोग क्या करते हो, साइन नियम लगाते हो, तब देखिए आपके पास में समीकरण जो है वो क्या बनती है। अगर यहाँ भी आप लोग साइन नियम लगाते हो, तो वो आपके पास में समीकरण बनने वाली है साइन माइनस थीटा टू, क्या बनेगी, साइन माइनस थीटा टू, और इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा जो आपके पास में आने वाली है वो कैपिटल आर ही आने वाली है, अभी देख सकते हो आप लोग, माइनस थीटा टू, और इसके सामने की भुजा आर, ठीक है, तो कितना आया, साइन माइनस थीटा टू बटे आर, और किसके बराबर है ये बराबर है साइन आई टू अपॉन वी माइनस आर, साइन आई टू अपॉन वी माइनस आर, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने इसे सॉल्व किया, और अगर इसे थोड़ा और सॉल्व आप लोग करो, तो ये बनता है साइन थीटा टू, माइनस आएगा भी साथ में, उस माइनस को मैं आगे लेकर के जा रहा हूँ आर, और कितना, साइन आई टू
अपॉन वी माइनस आर, ठीक है। और माइनस जो यहाँ आने वाला था उस माइनस को मैंने आगे रख दिया है और समीकरण नंबर 3 इसे लगा दिया है, ठीक है। तो अब आपके पास में जो ये टॉपिक बचा हुआ है, इसका बचा हुआ पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे और आपके पास में जो अभी का जया प्रतिबंध है वो सोल्व हो जाएगा। बस इन दोनों समीकरणों को आपको क्या करना है, एक दूसरे से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद में आपको ये सोल्व हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सोल्व कर लेना इसे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे सोल्व कर लेंगे।